जो लोग हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को काफिर कहते हैं उनसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काम करें, अगर आप रसूल की सुन्नत पे अमल करते हैं तो आप अपना निकाह काफिर से क्यों नहीं पढ़वाते, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह तो अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पढ़ा और वो तो काफिर था। अब इस गधे से ये पूछो, क्या ये अपनी माँ के मरने के बाद उनका नमाज जनाजा पढ़ाता है या नहीं? अगर नमाज जनाजा पढ़ाता है तो इसको भी नहीं पढ़ानी चाहिए और नबी पाक की सुन्नत पे भी अमल करना चाहिए कि उम्मुल मोमिनीन हज़रते खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया गया। तो जब उनका नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाया गया, अगर निकाह अबू तालिब ने पढ़ा, तो क्या ये अपनी माँ का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते? तो असल में बात यह है कि जिस वक्त का ये वाक़ है निकाह पढ़ाने का, उस वक्त अहकाम के ऐलान की, ख़ास तौर से निकाह वगैरह के, जनाजे के, इसकी परमिशन नहीं आई थी, इसके अहकाम आए ही नहीं थे। तो जब निकाह और उसकी शर्तें, उसके उसूल के अहकाम नहीं आए थे, तो उस वक्त किस तरह से निकाह के लिए किसी ईमान वाले को लाया जाता? दूसरी चीज़ ये है, जनाजे के अहकाम भी उस वक्त तक नहीं आए थे, तो बग़ैर जनाजे की नमाज के ही दफना दिया गया था।